जिला मुख्यालय बलौदा बाजार के पलारी विकासखंड में आयोजित सिद्धेश्वर रक्तदान समिति के द्वारा चिकित्सक दिवस के मौके पर जिला के चिकित्सकों को श्रीफल शॉल एवं मोमेंटो सम्मानित किया गया। इस कड़ी में कसडोल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बीएमओ डॉक्टर अंजान सिंह चौहान को भी कसडोल विधायक सुश्री शकुंतला साहू के हाथों सम्मान दिए गए। उसी पर गोलोक आयुक्त स्टेट प्रभारी आवाज इंडिया न्यूज की खास रिपोर्ट पर एक नजर। नमस्कार, मैं गोलू के मार्ग स्टेट हेड आवाज इंडिया न्यूज चैनल में पुनः आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम पुनः आप सब के बीच पुनः एक ऐसे शख्सियत के सामने पेश कर रहे हैं जो वर्तमान में कसडोल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का बीमो है और लगातार शासन की योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने में अथक प्रयास कर ही रहे हैं और उनको वर्तमान परिवेश में कल 1 जुलाई को चिकित्सक दिवस के उपलक्ष्य में जिला मुख्यालय बलौदा बाजार के प्राली विकास खंड में आयोजित सम्मान समारोह में उसको उत्कृष्ट कार्यों के लिए अवार्ड से नवाजा गया है विधायक महोदया सुश्री शकुंतला साहू के द्वारा। आइए जानते हैं इस उपलब्धि पर वर्तमान बीएमओ कसडोल डॉक्टर अंजान सिंह चौहान जी क्या कहते हैं, कैसे देखते हैं, अपनी इस उपलब्धि पर क्या कहना चाहते हैं, आइए जानते हैं। सर, चैनल में सबसे पहले आपका स्वागत है डॉक्टर साहब। कल आपको अवार्ड मिला, ऐसी जानकारी मिला है आवाज इंडिया न्यूज चैनल को, इस अवार्ड के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं डॉक्टर एस चौहान, चिकित्सा अधिकारी विकास खंड कसडोल। कल 1 जुलाई था, 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे रखता है। डॉक्टर्स डे में माननीय संसदीय सचिव महोदया द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पलारी विकास खंड में मुझे सम्मान मिला है। सिद्धेश्वर रक्तदान समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम था जिसमें कसडोल चिकित्सा अधिकारी पद में वर्तमान में हूँ, मुझे वहाँ जाकर के उत्कृष्ट चिकित्सक का सम्मान मिला है। शासन की जो योजनाएं हैं उसको लगातार लोगों तक पहुंचाना और अपने अस्पताल को अच्छे से अच्छा स्वास्थ्य लगातार कार्य करना है, इसी क्षेत्र में मुझे अवार्ड मिला। आपके कुशल नेतृत्व में विगत दिनों जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत पाली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उसको राज्य स्तर पर द्वितीय स्थान और जिले में प्रथम स्थान मिला है, इसको भी आप कैसे देखते हैं? लगातार आपके अच्छे कार्यों की प्रशंसा, सराहनीय कार्यों की प्रशंसा जनप्रतिनिधियों से भी मिलते रहता है, इसको आप किस रूप में देख बताते हैं? पिछले 2.5 वर्ष पहले मुझे खंड चिकित्सा अधिकारी का प्रभार मिला, उसके बाद लगातार मैं स्वास्थ्य सुविधाओं को उच्च अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के मार्गदर्शन में लगातार बैठक लेकर करती। हमारे विकासखंड में 43 उप स्वास्थ्य केंद्र और 7 PHC है, इसको लगातार मैंने कोशिश किया कि ज़्यादा से ज़्यादा स्वास्थ्य सुविधा लोगों को मिले। इसके लिए पिछले वर्ष हमारे कटकी को मिला है प्रथम स्थान मिला था और राष्ट्रीय स्तर पर अवार्ड मिला था, पर पाली को पूरे राज्य में द्वितीय स्थान मिला है। उसको छोड़कर के 2023 में हमारे विकासखंड के 21 अस्पताल को राज्य से सांत्वना पुरस्कार के लिए चयन हुआ। इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे डॉक्टर अंजान सिंह चौहान कसडोल बीएमओ, जिनके द्वारा लगातार स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में गाँव गाँव कस्बे कस्बे तक पहुंचाने में लगातार अथक मेहनत करते आ रहे हैं, ऐसा जानकारी मरीजों से मिलते रहे, जनप्रतिनिधियों द्वारा इनकी सराहना करने की जानकारी मीडिया को मिलते रहे और लगातार वास्तव में देखा जाए जब से बीएमओ बने हैं कसडोल में तब से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति पहले की अपेक्षा बेहतर है, ऐसा भी सभी लोग बताते हैं और मीडिया कर्मी लोग भी इसका पुष्टि भी किए हैं जा करके, और लगातार इनके द्वारा ये अपेक्षा होता है कि स्वास्थ्य सेवाओं का जो विस्तार है बेहतर हो और आने वाले समय में भी इनके नेतृत्व में और अच्छा कार्य देखने को मिलेगा, ऐसा उम्मीद सबको है। आवाज इंडिया न्यूज चैनल कैमरा पर्सन ध्रुव कैमर्ते के साथ गुरु कैमर्ते की खास रिपोर्ट। व्हाट्सएप करना मेरे को।